टीवी सर्विस का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे घर की महिलाएं सुचारू रूप से चला सकती हैं। ये व्यापार आप बेहद कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करें और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। इतना ही नहीं, इसे साइड बिजनेस के तौर पर भी शुरू किया जा सकता है। अगर आप इस बिजनेस में क्वालिटी और क्वांटिटी पर विशेष ध्यान दें तो कुछ ही दिनों में आप बेहद अच्छा मुनाफा कमा सकती हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले पर्याप्त रिसर्च जरूरी। बिजनेस शुरू करने से पहले किसी और सर्विस सेंटर में ग्राहक बनकर जुड़े और महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाएं, जैसे रोटी कितनी देनी है, कितनी सब्जी देनी होगी, हफ्ते में किस किस दिन वेज नॉन वेज मिलेगा, क्या किसी दिन छुट्टी होगी या नहीं, प्रति व्यक्ति लागत कितनी आएगी, प्रति व्यक्ति कितने का टिफिन प्राइस होगा, कितना मुनाफा होगा आदि। याद रखें, जरूरी नहीं कि एक दिन में ही आपको ग्राहक मिल जाए। ग्राहक बनने में एक दिन, हफ्ता या फिर महीना भी लग सकता है। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता भी पड़ेगी। शॉप एक्ट लाइसेंस। अगर आप कोई पर्टिकुलर शॉप को लेकर इस बिजनेस को खोल रहे हैं तो इसका लाइसेंस होना जरूरी है। FSSAI। जब भी कोई फूड का बिजनेस शुरू करते हैं तो इस लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ये आपको खाने की क्वालिटी चेक करने के बाद उसे प्रमाणिकता प्रदान करता है। ट्रेड लाइसेंस। व्यापार अधिकार पत्र शहर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा पाए जाने वाले एक लाइसेंस है। किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए इस लाइसेंस का होना अनिवार्य है। फायर NOC। अगर आप अपने व्यापार में किसी ऐसी चीज का उपयोग करते हैं जिसमें आग का प्रयोग होता है तो आपको फायर डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है। सोसाइटी NOC। अगर आप किसी सोसाइटी में रहकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सोसाइटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर सोसाइटी ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी खर्चे और आवश्यक वस्तुएं। कोई भी व्यापार शुरू करने से पहले तैयारी करनी पड़ती है। इसके लिए आपको जरूरी चीजों की व्यवस्था करनी होगी। खाना बनाने का बर्तन, टिफिन, एल्युमिनियम फॉइल बॉक्स, खाना बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंध आदि। बिजनेस और ग्राहकों को बढ़ाने के लिए क्या करें? ग्राहकों से फीडबैक लें। हर महीने अपने ग्राहकों से फीडबैक लें और उन फीडबैक को अप्लाई करें। अपने मेन्यू में एक्स्ट्रा खाने की चीजें जोड़ें। जब भी टिफिन भेजें तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर ऐड करें, जैसे कि मिठाई या हलवा आदि। आधुनिक टिफिन का प्रयोग करें। आप साधारण टिफिन की जगह स्टाइलिश टिफिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक नया लुक देगा। अपने मेन्यू में बदलाव करते रहें जिससे मेन्यू आकर्षित लगे। हर महीने अपने मेन्यू में कुछ ना कुछ चेंज करते रहिए जिससे ग्राहकों को नयापन लगता रहे। विजिटिंग कार्ड आप अपने जानने वालों को दें जिससे लोग आपसे संपर्क कर सकें। पैम्फलेट होस्टल, ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस और सड़क किनारे लगाएं जिससे लोग आपके बिजनेस के बारे में जान सकें। इससे आपको ग्राहक मिलने में आसानी होगी। होर्डिंग्स। जब आपका बिजनेस अच्छा चल पड़े और अच्छी खासी कमाई होने लगे तो आप जगह जगह होर्डिंग्स लगवा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग। आप अपने इलाके को टारगेट करके डिजिटल मार्केटिंग भी करवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट। घर से ही टिफिन सर्विस शुरू करने के लिए 5,000 से 10,000 तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा। यदि आप शॉप लेकर बिजनेस शुरू करते हैं तो दुकान का किराया मिलाकर 10,000 से 20,000 तक का आप शुरू कर सकते हैं। कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी? अगर आप घर पर ही बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको शुरुआत में हेल्प करने के लिए एक दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कुक और डिलीवरी बॉय। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको हायरिंग प्रोसेस तेज करना होगा। बिजनेस शुरू करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपका बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे? लोकेशन का ध्यान दें। खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। अपने कॉम्पिटिटर्स को फॉलो करें कि वो क्या बदलाव कर रहे हैं। साफ सफाई का ध्यान रखें। तो दोस्तों, इस तरह से आप टिफिन सर्विस का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो भी बेहद कम इन्वेस्टमेंट के साथ। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।